घर कैसा लगा आपको? यार गहरी सोच है भाई। बहुत खूबसूरत लगा, स्पेशली जो दरख्त आपने लगाए। ये आपको पौधों का शौक है? बहुत शौक मुझे लगता है। यासिर नाम होती है ऐसे, है ना? ये हर यासिर नाम के लोगों को क्यों पौधों का शौक होता है? नहीं, मेरा एक दोस्त है यासिर ताज, उसके घर में घास की पत्ती भी नहीं है। अच्छा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता तो आज ये भी जुआ खेल रहा होता है, ये भी कहीं कैसीनो जा रहे होते हैं। नहीं, मेरी ये वाली आते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मेरी भी नहीं है। इनकी भी नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, तो आपके घर में भी पौधे वौधे ये बहुत गार्डनिंग करते हैं? बहुत ज्यादा। हाँ जी, हमें पौधों का इतना क्रेज हो गया है की अभी हमारा पानी का बिल इतना है जितना लोगों का बिजली का। घर के बाहर वो तंदूर भी लगाया हुआ ना, वो जो बारबेक्यू के लिए बुलाई नहीं है। हम बताओ, आप गए हो? गया, मैं गया, ऊपर से देखा था। आप लोगों को मैं वैसे इनविटेशन ही देने आया था। अच्छा, यार लग रहा है आप आगे अभी भी इनविटेशन देने आए हैं कि आप लोग प्लीज हमारे घर में वो है, एक दावत है। ये तो वाईएसएल का बैग है, तो बड़ा मैंने कभी छुपाया हुआ था कि कुछ से, क्योंकि मेरा बैग यासिर ने लिया हुआ। मेरा बैग समझिए, वाईएसएल वाई लिखा हुआ, यासिर लिखा हुआ। जिस तरह आपने वहां फेंका है इसको, क्या करूं इस बैग की पूरी कहानी? नहीं नहीं, कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है ये, पता क्या कहता है? अब ये यहाँ पे हमारा जैसे टीवी है सामने, ये बैग यहाँ रखा हुआ है, यासिर यहाँ बैठा है, इससे तो मुझे चिढ़ है, इसको तो उठाओ यहाँ से। लगता है कोई बंदा बच्चा बैठा हुआ है मेरे ना यहाँ पर, मैं इसको हटाओ यहाँ से यार। अरे इसमें कोई सांप निकल के काट लेगा। नहीं, मुझे बहुत बड़ा बैग है यार, ये बिल्कुल वही है जो लक्स अवार्ड में यासिर हुसैन के पास था ना, उससे भी बड़ा है। उससे भी बड़ा है ये। कौन कैरी करता है यार अवार्ड में बैग? देख रेड जो लगाता है ना ये, मुझे लगता है कि ये दो नंबर है इसकी वजह। सीरियसली, मेरे लिए दो नंबर है। नादानिया थे ना, एनडीवाई नादानिया में तीनों आते थे, निजा, दानिश, यासिर, तीनों एनडीवाई रखा हुआ तुमने, और तीनों बेसिकली बेवकूफ थे उसमें। हम दो वो थे, हराम थे और ये दोनों बेवकूफ, और हम हराम थे, बेवकूफ ज्यादा। हम काम नहीं करते थे, हम घर बैठे, मेरी माँ, हाँ हम घर बैठे हुए काम नहीं कर रहे, नहीं जॉब कर राइटर था। पहला सिटकॉम था जिसमें ये जो टिपिकल नानी दादी एक फैमिली का सेटअप होता है, वो नहीं था। नहीं नहीं, वो नहीं था, आपकी कुछ नहीं दिखाया था। अबू की तस्वीर थी, पार्ट था ना वो अंकल की तस्वीर, तस्वीर थी अबू की, जिससे आप हर बात की शिकायत लेके आते थे। मेरी सास इतना चिढ़ती थी उसको देख के। मुझे मम्मी कहती है ऐसे नहीं, नहीं उसे मैं बताना, मुझे मम्मी कहती है एक बात बताओ यासिर, जी मम्मी देखो झूठ मत बोलना, सच ही बताना। मैं जी जी मम्मी क्या, तुम कुछ नहीं कमाते? मैं क्या हो गया कि नहीं कमाती, घर वो चलाती है, मैं क्या हो गया मम्मी? फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने नादानियाँ देख दिया, तो मेरी अम्मी पे ना बड़ा असर पड़ता था। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, एक और मजे का किस्सा। एक दिन हम मैं बैठा हूँ, अम्मी दानिश के साथ थी उस जमाने में, तो अम्मी ने कॉल किया, औलाद बड़ी बेगैरत होती है और तुम बेगैरत जोड़ू के गुलाम, तुम ये तुम वो भी, और सामने मेहमान बैठे घर पे। मैं जी जी अम्मी, जी 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 जी, सही कहा आपने, जी जी, तुम ये तुम वो, बड़ा सुना के फोन काट दिया। मैंने बाहर जाके दानिश को फोन किया, मैंने क्या अभी तो मिल गया हूँ मेरी शाम, क्या हो करिए? बोला कुछ नहीं यार, ये अम्मी ने बागबान फिल्म देखी है अभी। बागबान को बोला आपको करने के बाद, तो फराज को किया, मुझे बेइज्जत कर चुकी है, तो बागबान फिल्म देखी है, तो मेरी अम्मी पे ड्रामों का ना बड़ा असर होता था। बागबान देख के सब हर बच्चा दलील हुआ है घर में, बागबान का बड़ा असर।